request, which in which he goes to independent land. So he drops all of this. Why didn't you look at the Form A that was filed and the nomination, that the declaration that they've given in the Form A as a first step rather than going to the last step? Even if you were to go to the last step, that can is in. Can I just GTI try to N. get... No, my lord, the last step is his request for allotment of symbol as independent. But he also makes that, and I treat that as the last one, sir. Agar conflict my nazar view aa raha tha to pehle the form A kyun nahi dekha, wo bhi to declaration lagi hui hai na jo aapne A mein aur B mein dikhaye hain document. Bilkul ji, bilkul. To wo pehle dekh ke wahan se clarify kyun nahi kiya? Sikandar sir, ek second please. Sikandar sir, jahan tak main samajh pa raha hu, ho sakta hai ye aisi general baat puch raha hu, ye isko chhod dijiye, koi bura na mane sir mere sawal se. एक शख्स किसी से शादी करना चाहे, उसकी अपनी चाहत है, लड़की को भी रजामंद होना चाहिए, तो दोनों बातें होंगी ना. इधर तो एक वो अपनी वाबस्तगी स्टैट्यूट डिक्लेरेशन में अगर एक चीज एक बता रहे हैं जी. हो सकता है सियासी पार्टी चाहे कि नहीं आप मेरे कैंडिडेट बनो, तो ये तजाद जो आ गया है, जो आना असूलन तो नहीं चाहिए था ना आइडियली डिक्लेरेशन में, तो वही होना चाहिए था. आप सर्टिफिकेट भी उसी का लगाओ, स्टैट्यू मास बात ही खत्म हो गई. अब जब ये तजाद जो आपने नहीं बनाया मगर कैंडिडेट ने खुद बनाया, एक तो होता है ना कि आपने जबरदस्ती उसको कहा तो मैं नहीं मानता हूँ, ये उन्होंने एक तरफ कहा कि मैं फलां पार्टी से मुंसलिक हूँ नजरियाती से, और मगर सर्टिफिकेट नजरियाती का नहीं लाते हैं, पीटीआई का लाते हैं. डिक्लेरेशन में पीटीआई का तस्करा नहीं करते, नजरियाती का करते हैं. कानून में कोई ऐसी शिक है जो इस तजाद का सोल्यूशन बताए? सर मेरा यस वो तो 67(3) नहीं, कल जो पढ़ा गया था 240 डिफिकल्टी वाला सर, वो तो एक और सर, बात है इसका तो कोई आंसर नहीं. देखिए नहीं नहीं आंसर है सर, एक सेकंड सर, 67(3) में है. देखिए वो डिफिकल्टी वाला जो बात है ना, वो तो एक कैंडिडेट के लिए आप सदर पाकिस्तान को तो नहीं लिखोगे ना, तो ये तो मेरे ख्याल में आखिरी दिन है. हर रिटर्निंग ऑफिसर अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर. ये रिटर्निंग ऑफिसर एक तरह सर, दिस स्टेटमेंट दैट माय लॉर्ड हैज ऑब्जर्वेशन मेड, दिस इज वेरी क्रूशियल. देखिए अब हमारे आरओ लेवल पे हो रहा था. अब ये दूसरी बात ये ना, एट द 11th आवर भाई, देखिए अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब सिविल जज क्वेटा कुछ करे, सिविल जज कराची कुछ करे, तो वो उनके पास पूरे इख्तियार हैं, करें. और हो सकता है हम एक से अग्री करें, दूसरे से करें, हो सकता है दोनों से ना करें. तो ये तो हर रिटर्निंग ऑफिसर एक तरह से खोजा जुडिशियल ऑफिसर है, वो भी अपना काम कर रहा है, तो वो तरीके तरीके से करेगा ना, पता नहीं क्या करेगा. किसी को इस ग्राउंड भी कह सकता है आपको रिजेक्ट ही कर देते हैं आपने तो. सर ये था ऑप्शन, आई अग्री जी. तो ये जरा कुछ इसकी कोई वजाहत कहीं आ रही है सर? मैं आई प्लीज एक्सप्लेन, मे आई प्लीज एंडेवर टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. 66 जी, आप ये पहले खत्म करें. मैं आपको सर, मैं अपना सबमिशन दे देता हूं. हां सो बिकॉज़ माय लॉर्ड, नहीं आप चलें बताएं, जल्दी करें इसका. सो इस तरह की एनोमली में माय लॉर्ड सेड कि क्या होता है. My lord, this is so. The basic requirement is that if you want to contest under a common election symbol, like my lord suggests. Symbol को आप छोड़ दें, हम अभी पार्टी की वाबस्तगी की बात कर रहे हैं. You have to have these two. My lord, there are two. These two documents go hand in hand. One, a declaration, and two, a party affiliation certificate. They must match. ये लॉ का, ये लॉ में लिखा हुआ है. दे डोंट मैच, इफ दे डोंट मैच, सो 67(3) सेज इफ दे डोंट मैच, द ओनली अदर लीगली रिकॉग्नाइज्ड क्लास इज ऑफ इंडिपेंडेंट, एंड देन दीज कैंडिडेट्स डू. ठीक है, समझ गए आपका जवाब. ये मेरा सबमिशन है. दिस इज योर रीडिंग ऑफ द प्रोविजन. दिस इज माय रीडिंग ऑफ द प्रोविजन एंड माय हंबल सबमिशन दैट दिस इज प्रोबेबली व्हाट द आरओस लॉजिक वाज. नहीं नहीं, एक और इसमें भी हो सकता है ना सर, कि अगर वो उनको नजरियाती का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, एक पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, तो एक आसान रास्ता है इंडिपेंडेंट कर दो. मतलब आप आउट भी कर सकते. कैन ही आउट अ पर्सन आल्सो? नहीं सॉरी, आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है. मैं आप क्या करना चाह रहे हो? Again, आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते हो सर, एज अ बिकॉज ये किसी के साथ भी नहीं किया गया. सो ये इख्तियार है या नहीं सर? मेरे नजर में ये आरओ के पास था.
because he could have then the stronger and the more sustainable view is ke, treat him as an independent because you're not disenfranchising him. Aapka point of view. जी, but he could have been disqualified because he, like ladyship has said, if we just go to the first, and my lord, when these 81 come, my lord will see ke ye koi consistent wo nahi hai. There's lots of form, nomination forms jisme the declaration part is blank. There's 13 of them at least jisme jo I belong to blank. Ye aakhir mein se likha hai, verified on oath that the contents of the above affidavit are true and correct. Yes. So, या तो फिर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है या है कोई सिग्निफिकेंस? सर उसमें इन्होंने एक यू नो द लॉयरली थिंग, इफ यू रीड इट रियली केयरफुली, इट सेज आई एम एट प्रेजेंट, एक लिखा हुआ है आई एम एट प्रेजेंट इन पीटीआईएन, बट माय व्यू इज कि दिस इज एन एफिडेविट. व्यू को छोड़ें, हम उसकी अब से अपनी व्यू देख. एक सवाल उठता है सर, चलें आपकी ये बात हमने मान ली, ठीक है सर. बात ये आती है, कभी आप इन केसेस 81 में ऐसा था कि ही gave a declaration I belong to a particular party, one, and he also gave a certificate the same party. Of a particular same party and did not withdraw it, and you declared that particular that returned candidate as an independent. Lord, there are cases in which the statement in the nomination form says PTI, then he all, and there is a PTI party affiliation certificate and a declaration. Itna, and he did not identify. Ek minute. And there's a catch to it. But then and he withdraws. No. आपसे जो पूछा जा रहा है, please आप इस पे जवाब देना पहले. I'm sorry. Maybe I. फिर से सुने. He gives a declaration. He gives a declaration that I belong to a particular party. He also gives a certificate of the same party that he is our candidate for this constituency. ऐसे लोग हैं. And nini, and he does not withdraw it, and you have still declared him as independent. Sir, पहले ये दिखा दें. सिकंदर साहब, ये दो conditions वाले हैं. सिकंदर साहब, then he withdraws. मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि he does not withdraw and still you have declared him as an independent. Can you take us through the chart and let's examine? जी है. साथ withdrawal की जो date पूछ रहा है, आप जवाब दे सकते हैं इसका या नहीं दे सकते हैं? जवाब तो दीजिए ना. मैं इसका जवाब चार्ट से जो आपने खुद हमें दिया है. जी जी, लेट्स गो टू द चार्ट. ठीक है सर, इसमें सीरियल नंबर 12 देख लीजिए. सीरियल नंबर 12 पे और सीरियल नंबर 20 पे. चार्ट पे जाने से पहले एक फिगर जरा नोट कर लें सिकंदर साहब प्लीज. यहाँ पे चार्ट पे जरा एक फिगर नोट कर लें. फर्स्ट पेज पे कॉलम में फिगर नोट करें जरा. मैंने भी वर्कआउट किया, आपने चार्ट दिया है 81 कैंडिडेट्स का जिनको इंडिपेंडेंट सिंबल मिले जी. इसमें जरा जो कॉलम है ना,